पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अम्बाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है, यही नहीं भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला के होटल हॉलीडे होम में एक दिवसीय स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री सहित कृषि मंत्री को सम्मानित किया गया। सेमिनार में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी जरूरतों, नीतिगत पहलुओं तथा विकास की प्राथमिकताओं और ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2019-20 में 23,630.70 करोड़ के ऋण की संभाव्यता दी गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नाबार्ड का जो ये सम्मेलन किसान क्रेडिट का जो है 2019-20 का आज यहाँ पर शिमला में हो रहा है। नाबार्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के विकास में रही है और आने वाले समय में भी रहेगी, और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में नाबार्ड का फोकस ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि को और ज़्यादा हम बल दे सके, स्वयं सहायता समूह उनको मजबूती दे सके, उनको मदद करके अपने रोजगार के संसाधन वो खड़े कर सके और उसके साथ साथ आय का साधन भी उनके लिए उपलब्ध हो सके, और ऐसे NGO जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में विभिन्न कामों के माध्यम से, विकास कार्यों के माध्यम से जो है वो अपना सहयोग दे सके, उनको प्रमोट करने की दृष्टि से नाबार्ड अपनी भूमिका निभाता रहा है। और उसके साथ साथ में नाबार्ड की भूमिका हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण, पुलों के निर्माण और उसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में सिंचाई, जन स्वास्थ्य के हमारे इस विभाग को बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो पेयजल योजना है, चाहे वो हमारी सिंचाई की योजना है, उसके लिए बड़े स्तर पर जो है हमको जो है पैसा मुहैया कराता है, ध्वनि करता है, और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के सुदूर ग्रामीण में हम इन सुविधाओं को पहुंचाने में सफल हुए हैं। सड़क, पेयजल योजनाएं, सिंचाई की सुविधा और उसके साथ साथ में जो दूसरा फोकस जिसको खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो उसको सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका को हिमाचल प्रदेश में निभा रहा है, और आज इस सेमिनार के माध्यम से आने वाले समय के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करके काम करने की हमने योजना बनाई है, और जो मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट।